दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। पैसा चाहिए इंद्रियों के भोग के लिए, एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना? 1,00,000 करोड़। पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को ऐसे ऐसे बैठ के। कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। मेरा रिलेशन सिर्फ पैसे वाले लोगों से है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2,00,000 करोड़, 3,00,000 करोड़। इस नीचे बनाओ ही मत, और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं, पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। दिखा, खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1,00,000 करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1,000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। और दुनिया में दो चीज लोगों को बहुत आकर्षित करती है, टू थिंग्स हैव द हाईएस्ट पुलिंग पावर, वन इज वेल्थ, सेकेंड इज ब्यूटी। एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। सबको पैसा चाहिए, तुम किसी की डायलॉग बाजी में बता ना, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना? 1,00,000 करोड़। सोच ही रहे हो ना, मार दो, खूब पैसा कमाओ, हवाई जहाज खरीदो, हवाई जहाज में डांस देखो ऊपर 40,000 फीट पे अकेले बैठे हुए। बहुत लोग आते हैं ना, जैसे गोंडा से हैं, गोरखपुर से हैं, कहीं से, सोचते हैं कि रिलेशन मेरा रिलेशन सिर्फ पैसे वाले लोगों से है, बस मैं बाकी लोगों से रिलेशन रखता ही नहीं, क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं था। मैंने जीवन का वो दौर भी देखा जब मैं अकेले रहा हूं, तो वो दौर मुझे याद है कि रिलेशन मतलब पैसा। तुमको हमसे काम लेना है, हमसे काम लो और भागो यहां से। हमको ये मत बताओ कि हमारा घर भी गोंडा में है तो 2 बीघा खेत दे दो। शायद भगवान ने वो दौर मुझे इसीलिए दिखाया भी। भगवान कुछ चीजें तुम्हें इसलिए दिखाता है क्योंकि वो दिखाने से ही तुम समझ सकते हो, पढ़ के नहीं समझ पाओगे। दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है एक्सपीरियंस। इसलिए जब तुम अपने दोस्त को अपने घर लेकर आते हो ना, लड़का या लड़की, तो तुम्हारा बाप 1 मिनट में स्कैन कर देता है, चाहे सामने वाला जितनी नाटक करे, जी अंकल जी, जी अंकल जी, 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। वह एक्सपीरियंस, इसलिए तुम दुनिया में पढ़ाई कहीं भी कर लो, कीमत एक्सपीरियंस की होती है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा एक्सपीरियंस। अनुभव एक अलग चीज है ना, इसीलिए जब गरीब आदमी कहता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, तुम कमा भी नहीं पाओगे। भैया अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ हाँ पता है मुझे, आएगा ही क्यों, पैसा आएगा ही उनके पास जिनके पास तमन्ना है। पैसा किनके पास नहीं आता, जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। मालिक को लगता है जिंदगी भर सबको बेवकूफ बना रहा, हमें भी बना रहा है। तुम्हारे जो दिल में है ना, वही जाके मंदिर में कहा करो, तुम्हारी हर बात कबूल होगी। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ, जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को ऐसे ऐसे बैठ के।
तो कम से कम वो तुम्हारी ईमानदारी में फायदा हो जाएगा कि यार शानदार आदमी है, दे दो। तुम इंसान को तो बेवकूफ समझते ही हो, भगवान को भी समझते हो। अगर आईएएस बन गया तो गरीब लड़कों को पढ़ाएंगे, पढ़ लेंगे गरीब लड़के, कोई गरीब नहीं है इस दुनिया में। तुम ठेका मतलब पूरी दुनिया का। अनुभव जो है ना, अनुभव, मैंने क्या कहा, अनुभव की बहुत कीमत है। जैसे मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि खूब पैसा कमाओ, पैसे का विरोध मत करो, खूब जितना कमा सकते हो। उसकी वजह है बड़ी साइंटिफिक। अभी तुम में से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि तुम बड़े धार्मिक हो, लगता होगा, तुमको लगता होगा, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो तो तुमको लगता होगा, पर शायद तुम होगे नहीं। क्यों? जब तुम पैसा कमाओगे, ये जो इंद्रियों का भोग है ये पैसे पे टिका है। और पैसे का क्या यूज है? ये जो इंद्रियों का भोग है ना, इंद्रियों का, ये पैसे पे टिका है। अच्छी गाड़ी चाहिए, पैसा, 4 लाख रुपए में भी कार आती है और 4 करोड़ में भी कार आ रही है, तुम दिल्ली से न्यूयॉर्क 60,000 रुपए में जा सकते हो। इतनी बड़ी सीट मिलेगी, ऐसे पकड़ के बैठो, कहते अपना बेल्ट घर से लाना जी। और तुम दिल्ली से न्यूयॉर्क 10 लाख रुपए में भी जा सकते हो, रॉयल क्लास बेड, बेड मिलेगा बाकायदा, पायलट आएगा रास्ते में कि भैया उड़ाएंगे। अब ऐश्वर्या राय जैसे किसी स्त्री से अगर शादी करोगे तो प्यार पे जिंदगी ना चलेगी कि दिन भर में तुम हर 1 घंटे पे आई लव यू कहो उसे और वो तुम्हारे साथ रहे, का सोप होगा 50,000 का, शैम्पू 3 लाख का, डीओ 5 लाख का, कहां से लाओगे? पैसा चाहिए इंद्रियों के भोग के लिए। मनी इज रिक्वायर्ड टू एंजॉय द सेंसेस। तो जब तुम्हारे पास पैसा होगा और तुम भोग करोगे तो हर भोग के बाद तुम्हें एक बात फील होगी, यार सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। वो अनुभव होगा तुम्हारा। और उस अनुभव के बाद जब तुम धार्मिक बनोगे ना, कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है यार। सिद्धार्थ के साथ यही तो हुआ। तुम हो सकता है एक स्त्री के लिए परेशान हो, उसके हरम में 2,000 स्त्रियां, लेकिन जिंदा दिमाग था, उसको समझ में आया कि नहीं नहीं बॉस, अगर 2,000 से मजा नहीं आ रहा तो गारंटी क्या है कि 2,000 एक वे से आएगा? तो उसने कहा रास्ता कोई और है। पीक ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। पीक ऑफ अनुभव लो एक बार, मर्सिडीज में बैठो, देखो मन शांत हो जा रहा है। मेटेरियलिज्म के पीक पे जाओ और वहां अनुभव करो कि मजा आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो रास्ता कोई और होगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, भोग करना बुरा नहीं है, बुरा है बेहोश होना।